लखनऊ कानपुर हाईवे पर कोहरे के चलते रविवार तड़के एथेनॉल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एथेनॉल सड़क पर फैल गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि एथेनॉल में आग नहीं पकड़ी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी व CFO ने पूरे इलाके की लाइट व हाई टेंशन लाइनों को बंद करवा दिया और दमकल कर्मियों ने हाईवे से जुड़े घरों में गैस न जलाने की अपील की। वहीं लखनऊ कानपुर हाईवे की एक लेन को भी बंद कर दमकल की गाड़ियां लगाकर हाईवे को धुला गया और हाइड्रा से टैंकर को हाईवे से हटाया गया। FSO सरोजनी नगर के मुताबिक एथेनॉल से भरा टैंकर गोरखपुर से कानपुर जा रहा था। टैंकर रविवार तड़के 4 बजे कानपुर रोड पर अमौसी एयरपोर्ट के पास पहुंचा ही था कि तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना पर CFO मंगेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मी पहुंचे तो एथेनॉल सड़क पर फैला हुआ था। सबसे पहले तो हाइड्रा की मदद से टैंकर को किनारे लगाया गया। दमकल कर्मियों ने सड़क पर फोम और पानी डालकर एथेनॉल को साफ किया। लगभग आधा दर्जन दमकल की मदद से 5 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित में किया गया और इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ और इसी के साथ लखनऊ में एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया।